नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा पर मैं महेश चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपके से चर्चा करने जा रहा हूं 10 और 11 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं कल के रिकैप के साथ। हाल ही में जारी नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। वहीं भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट में भारत को तीसरा स्थान मिला है। हाल ही में किसने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यह अरविंद सिंह ने इसका कार्यभार संभाला है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों ड्राफ्ट के अनुसार स्कूल कैंपस के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री तथा विज्ञापन प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो यह 50 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। हाल ही में किस भारतीय लेखक ने ढाका लिट फेस्ट में पुरस्कार जीता है? तो ये अभिषेक सरकार ने जीता है। डॉक्टर विनिया शेट्टी किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की पहली भारतीय उपाध्यक्ष चुनी गई? तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं विकास संघ की पहली भारतीय उपाध्यक्ष चुनी गई। बजाज अलायंस एंड जनरल इंश्योरेंस ने किसानों की सुविधा के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इन्होंने किसानों की सुविधा के लिए फार्म मित्र को लॉन्च किया है। रोहित शर्मा 100 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले विश्व के कौन से पुरुष बल्लेबाज बन गए? तो ये विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। वहीं भारत के पहले, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे से। तो कल हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य भारत संघ का 27वां राज्य बना? ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी झारखंड या डी तेलंगाना। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया। 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। वहीं जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम उत्तराखंड कर दिया। उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमा है। उत्तर में तिब्बत से, पूर्व में नेपाल से, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थल लोग के साथ ही यह राज्य हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाली देश की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। अगर अपन इसको मैप में लोकेट करना चाहे तो ये रहा दोस्तों आपका उत्तराखंड। ये उत्तर में इसकी सीमा तिब्बत से, पूर्व में इसकी सीमा नेपाल से, दक्षिण में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से, वहीं पश्चिम में इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के जो राज्यपाल है वह बेबी रानी मौर्य। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चर्चा में रहा इंडियन एयरफोर्स अकर्ट अबव क्या है? ए वायुसेना का एक लड़ाकू विमान, वायुसेना द्वारा बनाया गया एक गेम, वायुसेना का एक युद्ध अभ्यास या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा वायुसेना द्वारा बनाया गया एक गेम। देखते हैं इसके बारे में अपन। भारतीय वायुसेना ने इंडियन एयरफोर्स अकर्ट अबव गेम के मल्टीप्लेयर संस्करण को लॉन्च किया है। इस गेम में यूजर वायुसेना के विमानों को उड़ाने का रोमांच महसूस कर सकते हैं। इस गेम के सिंगल प्लेयर वर्जन को 31 मार्च 2019 को तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बी एस धनोआ द्वारा लॉन्च किया गया। बात करते हैं अगर इंडियन एयरफोर्स अकर्ट अबव गेम की तो इंडियन एयरफोर्स अकर्ट अबव एक कॉम्बैट सिम्युलेटर गेम है। इसमें प्लेयर वायुसेना के तेजस, राफेल, मिराज 2000, सुकोई 30 एमकेआई जैसे विमानों को चुन सकते हैं। यह गेम एंड्रॉइड तथा आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस नए संस्करण में टीम बैटल तथा डेथ मैच नामक दो नए मोड जारी किए गए। इस गेम का उद्देश्य वायुसेना में शामिल होने के लिए युवाओं को प्रेरित करना है। बात करते हैं अगर वायुसेना की तो वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, यानी कि इसका पूर्व में नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चर्चा में रहा बुलबुल क्या है? ए एक नया खोजा गया ग्रह,
बी अमेरिका की मिसाइल का नाम, सी एक चक्रवाती तूफान, या डी इनमें से कोई भी। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा एक चक्रवाती तूफान। ये तूफान हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गूगल इंडिया ने किसे भारत के लिए अपना नया कंट्री मैनेजर और सेल्स एवं ऑपरेशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए संजय गुप्ता, बी रोमन मित्रा, सी अनिल वर्मा, या डी अजीत मीणा। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा संजय गुप्ता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रत्येक वर्ष किस नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 7 नवंबर, बी 8 नवंबर, सी 9 नवंबर, या डी 10 नवंबर। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 9 नवंबर। देखते हैं इसके बारे में अपन। 9 नवंबर को 23वां राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों तथा कानूनी सहायता सुनिश्चित करना तथा समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क व कुशल कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस की अगर बात करें तो इस दिवस की शुरुआत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में देश के कमजोर व निर्धन वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा कोर्ट ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन कहां पर किया गया? ए नई दिल्ली, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई, या डी बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका विमोचन असम की राजधानी गुवाहाटी में किया गया। ये दोस्तों इसका जो संस्करण है वो असमिस भाषा में किया गया, असमिया भाषा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया? ए केंतो मोमोता, बी सौरभ वर्मा, सी चो टीएन चेन, या डी केदांबी श्रीकांत। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा केंतो मोमोता। देखते हैं इसके बारे में, इनके बारे में। जापान के केंतो मोमोता ने चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को जीत लिया है। इन्होंने ताइवान के चो टीएन चेन को हराया है। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मोमोतो का यह इस वर्ष का 10वां खिताब था। अगर वहीं बात करें महिला वर्ग की तो चेन युफेई ने जापान की नोजोमी होकुहारा को हराकर महिला वर्ग का खिताब जीता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी? ए 2020, बी 2021, सी 2022, या डी 2023। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2023। देखते हैं इसके बारे में अपन। 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। इसकी घोषणा स्विट्जरलैंड में की गई। 2023 में पुरुष विश्व कप का आयोजन 13 से 29 जनवरी के दौरान किया जाएगा। अगर बात करते हैं पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 की, तो पुरुष हॉकी विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा मैदान में किया गया था। 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 के बीच किया गया था। इस हॉकी विश्व कप में 16 देशों ने हिस्सा लिया था। इस विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया था और इसे बेल्जियम ने जीत लिया था। 1971 के बाद यह ऐसा चौथा मौका होगा जब भारत हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत 1982, 2010, 2018 और 2023, यानी कि ऐसा चौथा मौका होगा भारत के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस उद्योगपति को ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ए कुमार मंगलम बिरला, बी मुकेश अंबानी, सी आनंद आहूजा, या डी रतन टाटा। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा कुमार मंगलम बिरला। चर्चा में रहा फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, या डी हॉकी। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा टेनिस। देखते हैं इसके बारे में। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर फेडरेशन कप टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है। फ्रांस की क्रिस्टिना मिलोदनोविच और कैरोलिन गार्सिया की जोड़ी ने आज निर्णायक डबल्स मुकाबले में जीत दर्ज कर 2003 के बाद फ्रांस को पहला फेड कप खिताब दिलाया। यानी कि इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा टेनिस। हाल ही में नवनीता देवसेन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ए लेखक, बी कला, सी विज्ञान, या डी नृत्य। तो दोस्तों इनका जो संबंध है वह संबंध है लेखक से। देखते हैं इनके बारे में। साहित्य अकादमी के पुरस्कृत लेखिका नवनीता देवसेन का निधन हो गया है। कवि, उपन्यास और लघु कथा लेखक देवसेन ने अपनी पुस्तक नवनीता के लिए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। 2000 में पद्मश्री से सम्मानित भी है।
हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में महिला लेखक संघ की संस्थापक और अध्यक्ष भी ये रह चुकी है, यानी कि वर्तमान में थी। एक्जिम बैंक ने किस देश को 210 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है? ए घाना, बी गिजियाना, सी म्यांमार या डी नामीबिया। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा घाना। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक ने घाना में पीने योग्य पानी परियोजना के लिए घाना को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 210 करोड़ रुपए का प्रदान किए जाने की घोषणा की। बात करते हैं अगर घाना के राष्ट्रपति की, तो वहां के राष्ट्रपति है नाना अकुफो एडो। वहीं घाना की राजधानी अकारा है और वहां की जो मुद्रा है घानियन सैंडी। बाल संगम उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है? ए 10वें, बी 11वें या सी 13वें, 12वें, डी 13वें। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 11वें। बाल संगम उत्सव के 11वें संस्करण का आगाज नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजन 9 से 12 नवंबर के दौरान किया जाएगा। इसका आयोजन नेशनल स्कूल ड्रामा द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं अगर बाल संगम उत्सव की, तो इस उत्सव में बच्चों द्वारा लोक तथा परंपरागत कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस उत्सव में ओडिशा, असम, गुजरात, राजस्थान, पंजाब समेत 12 राज्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस उत्सव में 12 लोक प्रस्तुतियां तथा 3 लोक थिएटर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बात करते हैं अगर नेशनल स्कूल ड्रामा की, यह विश्व के अग्रणी थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। यह भारत में इस प्रकार का एकमात्र संस्थान है। इसकी स्थापना 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई थी। बाद में 1975 में इसे स्वायत्त संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया। इसका वित्त पोषण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आगामी वर्षों में सरकार कितने डिजिटल ग्राम की स्थापना करने की घोषणा की है? ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 3 लाख या डी 4 लाख। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 लाख। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वह आगामी वर्षों में सरकार 1 लाख डिजिटल ग्राम की स्थापना करेगी। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक आधार पर फिलहाल इस प्रकार के करीब 800 गांव कार्यरत हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि डिजिटल ग्राम की स्थापना का उद्देश्य लोगों को डिजिटल के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के साथ साथ कौशल विकास को भी बढ़ावा देना है। देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ए भारत, बी चीन, सी ब्राजील या डी साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे पीएससी अड्डा को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।